There's no place like home. हाय गाइस, इट्स योर बॉय अंकित यादव। आज मैं आपके लिए फिर से लौट आया हूँ एक अमेजिंग गूगल से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स लेके। तो आप ध्यान से मेरी वीडियो देखिए और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छे लगे तो आप लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो हम बात करेंगे ट्रिक नंबर 1 की। तो हमें गूगल में जाके सिंपल सर्च करना है गूगल ग्रेविटी। तो आप जैसे ही इसमें फर्स्ट लिंक पर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा और कुछ ही देर बाद ये सब नीचे आ जाएंगे। आप देख सकते हैं ये आप जिस भी डायरेक्शन अपना मोबाइल टिल्ट करेंगे उसी डायरेक्शन में घूमने लगेंगे। तो अब हम बात करेंगे ट्रिक नंबर 2 की। तो हमें फिर सिंपली गूगल में जाना और यहाँ सर्च करना है गूगल मिरर। और जैसे ही आप इसे सर्च करेंगे तो आपको पहले नंबर पे एक लिंक दिखेगी, इसमें आपको टैप करना है। जैसे ही ओपन होगा आप देख सकते हैं जिस तरीके से मिरर बिल्कुल के सामने आप कोई भी टेक्स्ट रखते हैं तो उल्टा दिखाई देता है, उसी प्रकार गूगल ने भी अपने इंटरफेस बिल्कुल मिरर की तरह बदल लिया, आप देख सकते हैं। और यहाँ आप यही नहीं, आप बहुत से गेम भी प्ले कर सकते हैं, जैसे गूगल ग्रेविटी जो हमने पहले बात की थी वो यहाँ भी दिखाई देती है। टीरेक्स गेम जो होता है वो भी यहाँ दिखेगा, पैकमैन, ये सब गेम आपको यहाँ दिखेंगे। अगर मैं आपको एक गेम खेल के भी दिखाता हूँ तो स्नेक गेम आप देख सकते हैं। तो गाइस अब हम बात करेंगे ट्रिक नंबर 3 की। सिंपली अगर हम गूगल में जाके सर्च करेंगे गूगल बैरल रोल तो आपके सामने कोई इस तरीके का इंटरफेस क्रिएट होगा। आप पहले लिंक पर टैप करेंगे तो आपके मोबाइल की जो स्क्रीन है वो 360 डिग्री में रोटेट हो सकती है। और यही नहीं दोस्तों, अगर आप बैक में जाके इसको जितने टाइम करना चाहे उतने टाइम कर सकते हैं। अगर मैं इसमें 5 टाइम पे टैप करूँगा तो मेरी स्क्रीन जो है 5 टाइम रोटेट होगी। तो गाइस अब हम बात करेंगे गूगल ट्रिक नंबर 4 की। हम सिंपली गूगल में जाके सर्च करना है अटारी ब्रेकआउट। तो गाइस ये पर्सनली मेरा फेवरेट है क्योंकि हम इसमें जाके सिंपली कोई भी गेम खेल सकते हैं। तो हम पहले लिंक पर जैसे ही टैप करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। आप शायद इस गेम को पहले भी खेल चुके होंगे, ये देख सकते हैं आप, इस तरीके का गेम आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो आप जितनी देर भी चाहें इसे खेल सकते हैं या फन कर सकते हैं। तो ये रही गूगल ट्रिक नंबर 4 जो मेरी पर्सनली फेवरेट है। तो गाइस अब हम बात करेंगे गूगल ट्रिक नंबर 5 की। हम सिंपली गूगल में जाके सर्च करना गूगल 1998। दरअसल गूगल 1998 में इस्टेब्लिश हुआ था तो हम ये सर्च करके ये देख सकते हैं कि उस टाइम पे गूगल का इंटरफेस कुछ कैसा था। तो हम सिंपली इसमें जैसे ही सर्च करते हैं हम कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखता है। हम पहली लिंक पे अगर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं गूगल का इंटरफेस कुछ इस तरीके का था 1998 में। तो हम यहाँ पर भी जाके कुछ भी सर्च कर सकते हैं। तो ये थी गूगल ट्रिक नंबर 5। तो गाइस आप सिंपली आपको जाना है गूगल में और सर्च करना है गूगल अंडर वाटर। तो जैसे ही आप गूगल अंडर वाटर सर्च करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखेगा। आप जैसे ही फर्स्ट लिंक पर क्लिक करेंगे जो आपका गूगल का जो इंटरफेस है वो पानी में डूबने लगेगा। तो आप इसे ऐसे ही फन फैक्टर के लिए यूज़ कर सकते हैं, मुझे तो ये जनरली बहुत अच्छा लगा और आप इसमें जाके कुछ सर्च भी कर सकते हैं। तो ये थी। तो गाइस अब हम बात करेंगे लास्ट ट्रिक। तो आपको सिंपली गूगल में जाके सर्च करना है विजार्ड ऑफ ओजेड। तो गाइस ये एक मूवी थी। तो आप जैसे इसमें सर्च करते हो आपको यहाँ कुछ शूज दिखेंगे, जैसे आप इन पर टैप करोगे आप कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा और आपका स्क्रीन पूरा रोटेट हो जाएगा और ब्लैक एंड व्हाइट इंटरफेस दिखेगा। और जैसे आप फिर से टोर्नेडो पर टैप करोगे आप देख सकते हैं,
तो जनरली आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखता है। पहले ऐसे का एक और सर्च था जो कि गूगल थानों सर्च करते थे तो उसमें एक हैंड आता था, आप जैसे ही उसमें टैप करते थे तो सब गायब होने लगता था, पर वो गूगल ने अब हटा दिया है। तो गाइस आप इसे, ये थी गूगल से रिलेटेड कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। तो आई होप आपको ये देख के अच्छा लगा होगा, अगर आपको सच में ये देख के मज़ा आया हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं आपके लिए ऐसे अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो लाता रहूँगा, तो तब तक के लिए बाय।